आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्वेश्चन आंसर सीरीज का पार्ट फोर वीडियो है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर का हम लोग किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन करते हैं। आइए, यहाँ पे हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है जो बता रहा है, गिव टू रिएक्शंस दैट सो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल विथ दैट ऑफ इथेनॉल। अब देखिए, यहाँ पर सिंपल सा है फंडा, बता रहा है कि आप जो है एसिडिटी को कंपैरिजन करके बताइए कि जो है वो फिनॉल का एसिडिक नेचर कैसा है, और जब उसका इथेनॉल के साथ हम कंपैरिजन करेंगे तो कैसे होगा। तो देखिए, इसको जनरली हम लोग ये करके देखते हैं कि मेटल के साथ जनरली एसिड जब रिएक्ट, कोई अगर एसिडिक नेचर है और उसके साथ जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस को लिब्रेट करता है। तो सबसे पहले आप एसिडिक फिनॉल एसिडिक नेचर है, इसका सबसे पहला जो मैं आपको बताऊं कि एविडेंस होगा, वो एविडेंस जो है इसका पहला एविडेंस होगा कि इसको हम लोग रिएक्शन के साथ सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो ये यहाँ पर जो होगा वो होगा रिएक्शन विथ सोडियम। अब सोडियम के साथ रिएक्शन करने से क्या होगा, सीधा सीधी है कि अगर मान लीजिए ये फिनॉल है, ओके, और फिनॉल होने के कारण ये देखिए इसका अगर नेचर एसिडिक है तो जब हम अगर सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ऑब्वियसली से H2 गैस आना चाहिए। तो जब ये रिएक्ट कराया तो देखा कि यहाँ पर सोडियम फेनोक्साइड तो बना, ये देखिए ये यहाँ पर ONA बन गया, सोडियम फेनोक्साइड बन गया, और प्लस H2 जो है वो गैस के रूप में लिबरेट हो गया। तो भैया ये तभी संभव है जब ये एसिड होगा, इसका नेचर फिनॉल जो है, फिनॉल अगर एसिडिक नेचर का होगा, ये एक मिनट देखिए, फिनॉल अगर जो है यहाँ पर आपका एसिडिक नेचर का अगर होगा, एसिडिक नेचर का होगा तभी जाकर ये H2 गैस लिबरेट करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब इसको थोड़ा सा बैलेंस कर दिया जाए तो यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ भी 2 लगा दीजिए, तो इस तरह से ये बैलेंस हो गया, 2Na भी हो गया, और ये सोडियम फेनोक्साइड है, आपको अच्छी तरह से मालूम है सोडियम फेनोक्साइड। अब एक तो ये है भाई एविडेंस है जो बता रहा है कि हाँ भाई इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। दूसरा आप देख लीजिए, दूसरा हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं इसको किससे, NOH के साथ करवा देते हैं, रिएक्शन विथ NaOH। चलिए इससे रेड पेन ले लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट सा लगेगा। आइए, तो जब हम लोगों ने यहाँ पे NOH के साथ करवाया तो ये देखिए, ये तो फिनॉल है ही, ओके, यहाँ से हम लोगों ने OH कर दिया। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये फिर से आपका सोडियम फेनोक्साइड बना देता है, ये, और साथ में H2O रिलीज कर देता है। ये दो नेचर तभी संभव होगा जब अगला जो रिएक्टेंट होगा फिनॉल, इसका नेचर जो होगा वो एसिडिक होगा। दैट विल ओनली बी पॉसिबल, अदरवाइज दैट इज़ नॉट गोइंग टू पॉसिबल। एक दूसरा और सबसे मतलब एक तरीका यह भी है समझाने का कि अब कह रहा है कि अब आप बताइए कि कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल ऑफ दैट ऑफ इथेनॉल। देखिए इसमें एक प्रॉब्लम है, एसिडिक नेचर फिनॉल और इथेनॉल का आपको मैं बता दूं कि फिनॉल जो होगा, फिनॉल विल बी मोर एसिडिक, मोर एसिडिक। फिनॉल की जो का जो मतलब एसिडिटी है वो आपका एथेनॉल की अपेक्षा, इसकी एसिडिटी जैसे मान लीजिए CH3 और ये CH2OH है, इसके कंपैरिजन में इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, एसिडिटी ज़्यादा होगी। इसका सीधा सीधी कारण क्या है, कारण देखिए इसमें है कि फिनॉक्साइड आयन जो है जब
प्रोटॉन को H प्लस को लेफ्ट होने के बाद जो फिनोक्साइड आयन बनता है, जैसे मान लीजिए एसिडिटी के बाद क्या हो जाता है, मैं ब्लैक ये ले लेता हूँ पेन, देखिए देखिए अगर मान लीजिए फिनॉल है तो फिनॉल क्या करता है, आप इसको ऐसे समझिएगा कि OH है तो अब इसका हाइड्रोजन जो है रिलीज हो गया, H प्लस रिलीज होकर ये बना दिया क्या, फिनोक्साइड आयन। तो जब फिनोक्साइड आयन बना देता है H प्लस रिलीज होने के बाद, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाता है, देखिए ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पर जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये फिनोक्साइड आयन हो गया। अब यहाँ इसके ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, फिर ये जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाता है तो इस यहाँ पर आ जाता है इसका इलेक्ट्रॉन। तो इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे, ये देखिए इस कंडीशन में फिर हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा। आपको मालूम ही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस स्ट्रक्चर का बड़ा ही इम्पोर्टेंस होता है। अब फिर जो है ये इस बॉन्ड पे आ जाएगा और यहाँ पे ये इस तरह से आएगा। फिर आपका देखिए अगर मान लीजिए आप शुरू करते हैं फिनॉल का बनाना, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आप पहले तो ये फिनोक्साइड आयन होगा, फिर ये इस तरह से फिनोक्साइड आयन बनता जाएगा और फिर आप यहाँ बना रहे हैं, देखिए ये अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके जो है ना बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने के कारण फिनोक्साइड आयन जो है वो स्टेबल हो गया। लेकिन जब हम इथेनॉल की बात करते हैं तो उसमें जो प्रोटॉन दिया जाता है दैट इज़ नॉट बीइंग स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस। ओके, तो वो जो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल नहीं होता है जिसके कारण उसकी एसिडिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पर तो आपने मान लीजिए इतने सारे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिए, लेकिन जब हम एथेनॉल की बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 और CH2OH, ठीक है। अब अगर यहाँ मान लीजिए CH3 CH2 और ये O और यहाँ प्लस H प्लस निकल गया, ये जो फिनोक्साइड आयन बना, ये जो मतलब मेथॉक्साइड इथॉक्साइड आयन बना, क्योंकि इथेन है तो इथॉक्साइड हुआ, इसका जो है ना ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका नहीं बन पाता है, जिसके कारण जो है मतलब लेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए ये लेस जो है एसिडिक भी होता है। ये एक सिंपल सा फैक्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके टेक्स्ट बुक का। ये कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो मिथॉक्सी फिनॉल। देख लीजिए इसको हम लोग जो है लिखते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आपका जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से हुई, मैं यहाँ बना देता हूँ ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल का स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ OH लग गया और यहाँ NO2 लग गया, ये ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल हो गया। तो कह रहा है कि ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो मिथॉक्सी फिनॉल। देखिए भाई ऑर्थो मिथॉक्सी फिनॉल क्या होता है, बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा इसको, बातें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये देखिए OCH2 और यहाँ भी OH कर देते हैं हम लोग। देखिए ये हो गया ऑर्थो नाइट्रो नाइट्रोफिनॉल और ये हो गया ऑर्थो मिथॉक्सी
फिनॉल। अब ये कह रहा है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होगा ये मोर एसिडिक होगा। क्यों? इसका सीधा सीधी कारण है कि आई इफेक्ट के कारण। हम लोग आई इफेक्ट बोलते हैं इसको, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ये ज़्यादा एसिडिक होगा। इसके पीछे क्या कारण है इसको आप इस तरह से समझिएगा ज़रा कि इसमें इसके अंतर्गत क्या होता है, आई इफेक्ट NO2 ग्रुप पर होता है और इसके कारण देखिए इसमें जो हम लोग यहाँ लिखते हैं कंपाउंड, पहले हम लोग ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का लेते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो आपको OH में घट जाती है। कारण क्या है कि मैं एक स्ट्रक्चर बना के आपको यहाँ दिखाऊंगा, थोड़ा सा आप लोग गौर करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ जो हमारा ऑक्सीजन है और यहाँ H है, तो ये क्या होता है कि इंड्यूस करता है, इंडक्टिव इधर को डालता है और जिसके कारण यहाँ जो NO लगा होता है और यहाँ ऑक्सीजन लगा होता है, आप देखिए कि ये यहाँ आया और इसके बाद ये इस जगह पर आ गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर ये ऑक्सीजन ने यहाँ खींचा तो फिर यहाँ पॉजिटिव आ गया। तो इसके कारण क्या होता है कि ये जो है हाइड्रोजन बड़ी इजी से दे देता है, जिसके कारण यहाँ पर इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है OH बॉन्ड की वो डिक्रीज हो जाती है और यहाँ पर प्रोटॉन ये बड़ी आसानी से लूज कर देता है, पहला कारण हुआ। और जब जैसे ही ये प्रोटॉन बड़ी आसानी से लूज कर देता है ये वाला, तो ये एसिडिक हो जाता है। दूसरा कारण इसका जो है आपको मैं बता दूं कि रेजोनेंस भी है। रेजोनेंस में क्या होता है, आई इफेक्ट के कारण जो ये मॉलिक्यूल है, पहला कारण तो है कि ये आई इफेक्ट के कारण बहुत तेज़ी से ये H प्लस दे देता है और सेकेंड रीज़न जो है इसका वो है इसका रेजोनेंस में ऐसा देखा गया है कि ये कंपाउंड जो आपको दिख रहा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है। ये जो आपका कंपाउंड है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टेबलाइज्ड by the resonance, ये resonance के द्वारा stabilize हो जाता है। अब आइए भाई, तो फिर एक ही बताइए, तो इसमें क्या problem आ जाती है भाई? ये जो हमारे पास दूसरा compound जो है ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल, देखिए ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल में क्या हो जाता है कि ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल जो है वो ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, उसको देखिएगा जरा सा, फिर हम इसका लॉजिक बताते हैं आपको। ये देखिए ओ, यहाँ पे स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, यहाँ H और यहाँ देखिए ओ, ये CH3, ये आपका कंपाउंड हो गया ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल। अब यहाँ क्या होता है कि इसमें जब H प्लस आयन लूज करता है, लूज करने के पीछे कारण क्या होता है कि ये प्लस R इफेक्ट शो करता है। प्लस R इफेक्ट क्या होता है कि इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को पुफ किया जाता है, फिर यहाँ पुफ किया जाता है और फाइनली जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाने के कारण जो है ये H प्लस फिनॉक्साइड आयन का ये इतनी आसानी से रिलीज नहीं होता है। देयर इज़ ए डिफ़िकल्टी इन ऑर्डर टू रिलीज दैट H प्लस
एच ऑफ द फिनॉल। तो अब इसमें क्या हो जाता है कि एक तो ये कारण है कि थोड़ी डिफिकल्टी से होता है प्लस आर इफेक्ट के कारण, है ना। अब क्या है कि इसमें लॉस ऑफ जो प्रोटॉन हुआ इज डी एस्टेबलाइज बाय रेजोनेंस एज द टू नेगेटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर देयर बाई मेकिंग ऑर्थोमिथॉक्सी फिनॉल अ वीकर एसिड। अब इसमें देखिए यहाँ एक समस्या क्या पैदा हो जाती है कि जब आपका यहाँ पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बना के दिखाता हूँ तब जाके आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ देखिए ये ओ हो गया, ये देखिए यहाँ भी ओ हो गया, यहाँ माइनस, ये देखिए ओ, यहाँ पे सी एस थ्री, ये ठीक है ऑर्थो मिथॉक्सी ये फिनॉल हो गया। अब इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ से ये इधर दे रहा है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है और फाइनली ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का इस तरह का सिस्टम होता है, वो चूँकि इलेक्ट्रॉन इससे दूर जा रहा है तो यहाँ प्लस साइन हो जाएगा, यहाँ देखिए सी एस थ्री और यहाँ देखिए ऑक्सीजन, ओके ये, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहा है। तो अब क्या होता है कि इसमें जो आप देखेंगे कि ये जो है डीस्टेबलाइज हो जाता है, दिस ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही डीस्टेबलाइज हो जाता है बाय रेजोनेंस एज टू नेगेटिव चार्जेज। अब दो नेगेटिव चार्जेज कहाँ कहाँ हैं, एक तो इस पॉइंट पर नेगेटिव चार्जेज आ गया और एक इस पॉइंट पर नेगेटिव चार्जेज आ गया, तो दैट इज द मेन रीजन फॉर द डी स्टेबलाइजिंग, द मेन रीजन फॉर द डी स्टेबलाइजिंग। और क्या करता है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड ओवरऑल मेक्स इट वीकर एसिड, है ना, क्योंकि H प्लस भी ये बहुत तेजी से नहीं छोड़ते हैं और इसके कारण इसका स्ट्रक्चर भी डीस्टेबलाइज कर देते हैं। दैट्स वाई जो हमारा ये कंपोनेंट है ऑर्थोमिथॉक्सी फिनॉल, ये एक वीक एसिड में गिना जाता है, इसका नेचर वीक हो जाता है, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आपने इस मैटर को देखा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी समझ में आया होगा। इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए तो मैटर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।